नमस्कार दोस्तों, नोवा नेचर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हमारे देश भारत में लगभग 2022 के आंकड़ों के अनुसार 340 प्लस प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 20% सांप ऐसे हैं जो जहरीले या मध्यम जहर के होते हैं, और उसमें से भी 4 ही ऐसे सांप हैं जो मनुष्य के मौत का कारण बन सकते हैं। हमारे देश भारत में 10 सेंटीमीटर से लेकर 21 फीट तक लंबे सांप पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे सांप से मिलवाने वाला हूँ जिसको देख के आप भी बोलोगे, क्या यह सच में सांप है? जी हाँ, मैं एक ऐसे सांप से आपको मिलवाने वाला हूँ जो हूबहू केचुए की तरह दिखता है, जिसे अंग्रेजी में ब्लाइंड स्नेक, हिंदी में तेलिया सांप और गुजराती में अंध सांप के नाम से जाना जाता है। नाम की ही तरह इनकी दो बिंदु की तरह आँखें होती है जो स्किन में छिपी होती है। इसे दूर से देखने पर यह आपको हूबहू केचुए की तरह नज़र आता है, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके शरीर पर सांपों की तरह स्केल्स और दो बिंदु आकार की आँखें और इसकी निकलती हुई जीभ भी आपको नज़र आ सकती है। ये सांप दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड जैसे देश में भी, जहाँ सांपों को देखना काफ़ी मुश्किल है। ये सांप चींटी और दीमक के लार्वा या उनके अंडे खाता है। ये सांप भारत देश का सबसे छोटा सांप है, जिसकी औसतन लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है और कई जगह ये 15 सेंटीमीटर तक भी पाया गया। ये सांप आपको चारकोल ग्रे, सिल्वर ग्रे, हल्का पीला, बैंगनी रंग और एल्बिनो रंग में भी आपको नज़र आ सकता है। ये सांप तकरीबन 8 अंडे देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सांप एक गैर विषैला सांप है। ऐसे ही भारत में पाए जाने वाले अलग अलग सांपों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।